भाजपा के एक महिला प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की शिकायत की है। शिकायत में भाजपा नेत्री इमरती देवी के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर जीतू पटवारी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग से जीतू पटवारी के चुनाव प्रचार पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष सीमा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी उच्च पदों पर पदस्थ हैं, फिर भी जीतू पटवारी महिलाओं के लिए अक्सर अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जीतू पटवारी का भाजपा की महिला नेत्री इमरती देवी को लेकर दिया गया बयान ओछी मानसिकता को दर्शाता है। दलितों व खासकर महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस पार्टी की रीति बन गई है। आज हम मातृशक्ति पूरी नारी शक्ति जीतू पटवारी जी से कहेंगे कि माफी मांगे, और इमरती देवी जी आप अकेली नहीं है, पूरी नारी समाज आपके साथ है, आपके साथ न्याय होगा। और उस बहन को जो इस प्रकार का जो उनके साथ अभद्र टिप्पणी करके उनके लिए जो उन्होंने टिप्पणी की है, इसके लिए वो माफी मांगे, नहीं तो हम लोग का आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। और इसकी शिकायत आज हम मुख्य निर्वाचन अधिकारी को करने आए हैं। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि जल्दी ही निर्णय होगा, उचित कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।